रोहतास जिले में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जहां पिछले कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज की मौत के बाद लापरवाही से जलाने का मामला प्रकाश में आया है। गौरतलब है कि रोहतास जिले के विक्रमगंज प्रखंड में पिछले दिनों एक व्यक्ति की कोरोना वायरस से मौत हो गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लाया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के शव को लापरवाही से जलाने का काम किया है, जिसके बाद शमशान घाट में अधजले शव को कुत्तों के द्वारा नोच नोच कर खाया जा रहा है, जिसका वीडियो स्थानीय लोगों के द्वारा भी बनाया गया है। जाहिर है प्रशासन की लापरवाही तब और भी ज्यादा गंभीर हो गई जब कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के पीपीई किट को खुलेआम फेंक दिया गया। जाहिर है जिस कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण व्यक्ति की मौत हो गई है उसकी लाश को कुत्ते खा रहे हैं, ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा 100% बढ़ जाता है। लिहाजा इस बारे में जब विक्रमगंज अनुमंडल के चिकित्सा प्रभारी से सवाल किया गया तो प्रभारी ने गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए कहा कि यह काम उनका नहीं है। जाहिर है अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी का यह बयान कई मायनों में प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रशासन के द्वारा कब्रिस्तान में शव को जैसे तैसे जला दिया गया, जिससे लोगों में भय का माहौल कायम है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से विक्रमगंज प्रखंड में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, उसके बावजूद प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है और लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। बिहार के रोहतास से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। पीपी किट को ऐसे ही फेंक दिया जाएगा, सौ को कुत्ते नोच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का यह काम नहीं है, हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, जब उसका पीपी किट कहाँ जाएगा क्या जाएगा डिस्प्ले करना हम लोग काम थोड़े है। ये कौन करेंगे? पीएस के प्रभारी से भेंट कीजिए, उससे सौरभ बाबू हैं या महेंद्र सिंह चाय महेंद्र कोई डॉक्टर है यहाँ पर सौरभ प्रकाश से बात कीजिए। कोरोना पेशेंट को जलाने के लिए लाया गया था, जिसमें यहाँ जलाने के क्रम में लोग प्रशासन भी आया था, साथ में पुलिस पदाधिकारी भी थे, और वो पीपी किट वगैरह सब यहीं पे फेंक करके चले गए। आधा आधा अधूरा जला हुआ लाश को छोड़ के चले गए, अच्छी तरह से उनको जलाए भी नहीं, ऐसे ही चले गए। सैनिटाइज भी पूरी तरीका से नहीं हुआ, चूँकि गाड़ियाँ कुत्ता भी उसको नोच के खा रहा था, कुत्ता इधर उधर घूमेगा तो कोरोना और ज़्यादा फैलेगा। गलत बात है समझे, वहाँ सौ का जलने के बाद सबको वहाँ से प्रस्थान किए थे ना, सीट को वहीं पर जला दिया गया था, उसको फेंका फेंका लोग जला दिया गया था ना, और जो थोड़ा सा एक फेंका था एक जल करके आधा बाहर फेंका था दीवार के बाहर, ठीक है। तो जो कुत्ते नोच रहे हैं शमशान घाट पर, कुछ नहीं उसको फेंक जला दिया गया, उसके बाद पीपी किट भी जो है फेंका हुआ है। नहीं नहीं उसको जला दिया गया, नोटों खुल गया था अपने बाद में। तो फिर वो कहाँ से आ गया? फेंका ना जलाने के लिए, तो फिर वो जल गया, चौथा भी जल गया, जल गया थोड़ा सा उसका भाग फेंका के बाद दीवार के बाहर।